नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। दोस्तों, क्या आप द्वारका में घर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये कीमतें जरूर पता होंगी कि द्वारका के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से 3 BHK की स्टार्टिंग है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बेहद ही शानदार ऑप्शन लेकर आया हूँ। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये भी 3 BHK है, 85 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है, लिफ्ट के साथ है, गाड़ी की पार्किंग के साथ है दोस्तों, और द्वारका से बिल्कुल साथ में है। जी हाँ दोस्तों, द्वारका और आपके इस फ्लैट के बीच में दोस्तों मैक्सिमम 400 टू 500 मीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप देख सकते हैं तो सामने वेगस मॉल है दोस्तों, और उसके साथ में बड़ी बड़ी सोसाइटीज आपको दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ से द्वारका जाने का जो डिस्टेंस है वो भी काफी नजदीक है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं कि 4 या 5 मकान के बाद मेन रोड है, और मेन रोड से जैसे आप लोग लेफ्ट लेंगे आप पहुंच जाते हैं द्वारका, और द्वारका पहुंचते ही दोस्तों आपको सेक्टर 13 का बहुत बड़ा पार्क मिलता है, और इस सोसाइटी के बिल्कुल साथ में आपको NSUT यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मिलती है, और उसके ठीक साथ में दोस्तों आपको जो दीनदयाल कॉलेज है वो मिलता है। एक बात मैं आपको दोस्तों और भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस फ्लैट को लेते हैं तो भी ये बहुत ही शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि दीनदयाल कॉलेज और NSUT के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो इस एरिए में घर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अगर आप PG भी ओपन कर देते हैं तो भी आप मान के चलिए इस फ्लैट की जो रेंटल इनकम रहेगी वो कम से कम दोस्तों 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ की रहने वाली है। तो ये फ्लैट हर लिहाज से दोस्तों, रहने के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक है, बहुत अच्छी लोकेशन पर दोस्तों, और बहुत कम कीमत पर हम आपको ये फ्लैट देंगे। और एक और अच्छी बात है दोस्तों इस फ्लैट के अंदर, और वो ये है कि ये कॉमन रूफ राइट के साथ आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लैट की जो छत है ये आपको कॉमन रूफ राइट के साथ मिलेगी, यानी कि सर्दियों में आप धूप का मजा ले सकते हैं, बारिश में दोस्तों आप यहाँ पर आकर नहा सकते हैं। तो हर लिहाज से दोस्तों आपका ये फ्लैट बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सी विजिट आपके इस 3 BHK फ्लैट की। ये दोस्तों आपकी पार्किंग है, और पार्किंग काफी बड़ी है, स्पेशियस है, और काफी खुली है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पर 10 से 12 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 8 ही फ्लैट हैं, तो सिर्फ 8 ही गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होनी है, यानी कि दोस्तों आपके पास काफी अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है आपकी गाड़ियों को खड़ी होने के लिए और आपकी स्कूटर और बाइक को खड़े होने के लिए। फ्लोरिंग पर आपको कोटा स्टोन मिलता है दोस्तों, जो कि व्हाइट मार्बल की चिप्स की फिलिंग के साथ है। ये दोस्तों मजबूत पत्थर रहता है, जिससे कि गाड़ियों की आवाजाही से ये टूटता नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग हमारी वॉल्स की, तो वॉल्स पर आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको टाइल वर्क मिलता है, और ये टाइल वर्क दोस्तों लगभग 5 फीट की हाइट तक करवाया गया है। डिजाइनर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पार्किंग की लुक और गेटअप आपको काफी अच्छी मिले। प्रॉपर लाइटिंग भी आपकी इस पार्किंग में दी गई है, जिससे कि इनकेस आपको यहाँ पर कोई फंक्शन करना हो दोस्तों तो इजिली आप यहाँ पर कर सकते हैं। 100 से 150 लोगों तक का फंक्शन दोस्तों आराम से यहाँ पर किया जा सकता है। ये हमारा मोटर सेक्शन है, और मोटर सेक्शन को आप देख सकते हैं कि जाल से प्रॉपरली कवर किया गया है। हालांकि दोस्तों ये एरिया काफी सेफ है और बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए जाल दिया हुआ है। मीठा पानी दोस्तों रेगुलर आता है, डेली आता है, तो दिल्ली जल बोर्ड के पानी की किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि समरसिबल का जो वाटर है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता है। यहाँ पर आपका स्टेयरकेस है, जिस पर ग्रेनाइट पत्थर का वर्क आपको मिलता है दोस्तों, मोल्डिंग वर्क आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ है दोस्तों आपकी लिफ्ट। लिफ्ट बिल्कुल वर्किंग है दोस्तों, लिफ्ट स्टार्ट है, तो जब यहाँ आएंगे दोस्तों तब लिफ्ट यहाँ पर आपको वर्किंग मिलने वाली है, और बिल्कुल रेडी टू यूज मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं आपके 3 BHK फ्लैट की तरफ। तो ये दोस्तों लिफ्ट से बाहर आने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे कॉमन एरिया में। ये दोस्तों गैलरी है, एक कॉमन एरिया है, जिस पर एक तरफ हमारा 3 BHK का फ्लैट है और दूसरी तरफ दोस्तों हमारा दूसरा 3 BHK का फ्लैट है। और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जीने के अंदर भी टाइल वर्क है, और यहाँ पर भी कॉमन लॉबी के अंदर भी आपको टाइल वर्क मिलता है। तो चलिए दोस्तों एंटर करते हैं अब आपके 3 BHK फ्लैट की तरफ। एंटर करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे लिविंग स्पेस के अंदर, और लिविंग स्पेस दोस्तों मैं हमेशा ही कहता हूं कि काफी शानदार होना जरूरी है। तो यहां पर आपको काफी बड़ा और स्पेशियस लिविंग स्पेस मिल जाता है, जिसका जो साइज है दोस्तों वो 10 फीट बाय 13 फीट का है, तो काफी इनफ दोस्तों साइज आपको मिलता है इस लिविंग स्पेस के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपके जो सोफे की प्लेसमेंट है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। एल टाइप का सोफा आप लगा सकते हैं, 5 to 7 पर्सन की सिटिंग आप यहां पर दे सकते हैं।
और सोफे के पीछे यहाँ पर आपको डिजाइनर वर्क मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मिरर लुक में आपको डिजाइनर वर्क हम लोग करा कर देंगे, एक वॉल आपको डिजाइनर करा कर देंगे दोस्तों, यानी कि आपको एक वॉल पर वॉलपेपर के डिजाइन मिलते हैं। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो आपको सेकंड वॉल पर भी हम लोग वॉलपेपर लगवा कर दे देंगे। इसके ठीक सामने आपको मिलता है आपका एलईडी पैनल, और एलईडी पैनल भी दोस्तों काफी अच्छे डिजाइन में आपको मिलता है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, यानी कि बड़े साइज का टीवी आप यहां पर लगा पाएंगे। नीचे आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है, ओपन शेल्फ मिलती है दोस्तों, और इस तरफ तीन आपको नीच मिलती है जिसमें कोई भी डिजाइनर पीस आप रख सकते हैं। पीछे दोस्तों मिरर वर्क है और ऊपर फोकस लाइट्स हैं, जिससे पूरे एलईडी पैनल की जो गेटअप है दोस्तों ये काफी अच्छी आपको मिलेगी। ऊपर आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रास वर्क आपको मिलता है आपके लिविंग स्पेस के अंदर, इस तरफ भी है दोस्तों, और इन वॉल्स पर भी आपको आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क हम लोग करवा कर देंगे, क्योंकि इससे आपके लिविंग स्पेस की जो ब्यूटी है वो काफी इनहेंस हो जाती है। सीलिंग की अगर बात करें तो विद एलईडी लाइट एंड विद कॉब लाइट दोस्तों काफी शानदार सा डिजाइन आपको आपकी सीलिंग पर यहां पर मिलेगा। फैन भी दोस्तों हम आपको लगा कर देंगे, और इसके अलावा इस फ्लैट के अंदर दोस्तों कर्टेंस भी हम लोग आपको लगा कर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका लिविंग स्पेस है जो कि काफी शानदार है, सोफे की प्लेसमेंट काफी अच्छी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आपका ये लिविंग स्पेस जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी किचन की तरफ। किचन में दोस्तों एंट्री की बात करते हैं, तो एंट्री में ठीक स्टार्टिंग में आपको आपका फ्रिज लगाने के लिए स्पेस मिलता है, ऊपर आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है, और इसके अलावा दोस्तों इस किचन की जो एंट्रेंस है ये भी हमने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की है। वुडन का दोस्तों आपको पार्टीशन मिलता है, जिसमें अगेन आपको नीचे और ऊपर की तरफ दोस्तों नीच मिलती है, और वो भी दोस्तों मिरर लुक के साथ और ऊपर फोकस लाइट के साथ, जिससे कुछ भी आर्टिफिशियल जो चीज आप रखेंगे दोस्तों यहाँ, कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम रखेंगे तो उसकी लुक काफी एनहेंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। किचन की एंट्रेंस पर भी दो एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छी फील आपको देती हैं, और किचन में एंटर करने के बाद आपको मिलता है एल टाइप का शानदार टॉप दोस्तों। ये ब्लैक ग्रेनाइट में है, बोल्डिंग वर्क आपको मिलता है, और इसके अलावा दोस्तों तीनों तरफ आपको टाइल वर्क भी प्रॉपरली मिलता है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आपकी जो टाइल वर्क है वो लगभग दोस्तों 5 फीट की हाइट तक किया गया है, जिससे कि किचन को साफ सुथरा रखने में आपको सुविधा रहती है, आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग स्टोरेज की, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको काफी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइजेस की यहाँ पर बास्केट्स आपको मिलती हैं, जिसमें अलग अलग तरह की दोस्तों क्रॉकरी रखने के लिए प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, और जितना भी स्टील हमने यूज किया है ये सारा का सारा दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी का स्टील है, ये हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा, और जितना भी वुडन वर्क है दोस्तों वो सारा का सारा आपको काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन भी जो माइका का है ये काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की अगर बात करें दोस्तों तो ऊपर भी आपको वुडन कैबिनेट्स मिलती हैं, यहाँ भी बीच में पार्टीशन देकर आपको नीचे और ऊपर सामान रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। गुरु महादेव रियल एस्टेट के हर फ्लैट में दोस्तों हम लोग अंदर भी माइका लगवाते हैं, जिससे कि आपको सफाई रखने में सुविधा रहे, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आपको वुडन की कैबिनेट्स मिलती है, और इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी आपको वुडन की कैबिनेट्स मिल जाती हैं। इस किचन के अंदर दोस्तों जो चिमनी की प्लेसमेंट हमने रखी है ये ईस्ट की तरफ रखी है, यानी कि जब आप यहाँ पर खड़े होकर खाना बनाएंगे या बनाएंगी तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ रहने वाला है। चिमनी दोस्तों काफी हाई क्वालिटी की है, तो काफी सालों तक भी आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने वाली। इस किचन के अंदर यहाँ पर हमें सिंक मिलता है जो कि बड़े साइज का है, आप देख सकते हैं। गर्म पानी, ठंडे पानी और डायरेक्ट पानी के दोस्तों टैप्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको आरओ या फिर वाटर प्यूरीफायर लगाना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है। यहाँ पर आपको किचन का गीजर लगाने के लिए स्पेस मिलता है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फिटिंग ऑलरेडी की गई है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने के लिए भी स्विच एंड सॉकेट आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिल जाते हैं। ये किचन दोस्तों न केवल स्पेशियस है बल्कि इसके अलावा स्टोरेज के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट है, दो लोग खड़े होकर यहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। इस फ्लैट के अंदर जितना भी हमने टाइल वर्क यूज किया है वो सारा का सारा दोस्तों डिजिटल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। हाई क्वालिटी के टाइल्स हैं दोस्तों, विट्रीफाइड टाइल्स हैं, और इसके अलावा दोस्तों ये स्क्रैचलेस टाइल्स हैं। जब आप इस फ्लैट के अंदर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्टोन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये काफी हाई क्वालिटी की टाइल्स हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले बेडरूम के बारे में। बेडरूम का जो साइज है दोस्तों ये 11 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10 फीट का है,
काफी शानदार और अच्छा दोस्तों आपका ये बेडरूम है, और इस बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि बेड की प्लेसमेंट के लिए भी आपको परफेक्ट जगह मिलती है। 6x6 का बेड आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं, और उसके पीछे आप देखेंगे कि एक डिजाइनर वॉल हम आपको यहाँ पर देंगे। सीलिंग की बात करें तो अगेन सीलिंग का डिजाइन आपको काफी शानदार मिलता है, और बेड के ठीक सामने दोस्तों आपको एक टीवी पैनल भी इस रूम के अंदर मिल जाता है। स्विच एंड सॉकेट प्रॉपर्ली आपको मिलते हैं। ड्यूअल शेड का आपका ये एलईडी पैनल है, व्हाइट और ब्राउन शेड में दोस्तों इसे बनाया गया है, और ऊपर की तरफ भी डिजाइनर पीस रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है। इस बेडरूम के अंदर हमने एसी की फिटिंग आपको दी है, आप देख सकते हैं कि इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है, बाकी सारा काम दोस्तों हमने ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है। और ये जो फिटिंग हम लोग करवाते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी हाई क्वालिटी की रहती है, तो कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। और ये है आपकी वार्डरोब जो आपकी इस रूम के साथ आपको मिलती है। ये दोस्तों हमारा पहला बेडरूम था। अब हम बात करेंगे हमारे कॉमन वॉशरूम की, तो यहां पर हमारा कॉमन वॉशरूम है, और ये कॉमन वॉशरूम भी दोस्तों इनफ स्पेस का है, इनफ साइज का है। लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 7 फीट का है, चौड़ाई की बात करें तो लगभग 4 फीट का दोस्तों आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम के अंदर नीचे आपको डिजाइनर टाइल्स मिलती है, और ये दोस्तों नॉन स्लिपरी टाइल्स है। इसके अलावा अगर वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पर रूफ हाइट तक की टाइल्स है। गुरु महादेव के हर फ्लैट के अंदर दोस्तों आपको रूफ हाइट तक की टाइल्स मिलती है, और वो भी क्वालिटी की टाइल्स जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में एक डिजाइनर पैटर्न यूज किया गया है, और नीचे और ऊपर आपको जो इसी के कॉम्बिनेशन की टाइल्स हैं और जो प्लेन टाइल है दोस्तों वो यूज की गई है, तो बहुत अच्छा सा गेटअप आपको यहाँ पर टाइल्स का मिलने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको वन पीस की शीट मिलती है, ऊपर आपको गीजर की फिटिंग मिलती है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है। इसके पीछे दोस्तों शाफ्ट है, और यहाँ आपका जो वॉशबेसिन है दोस्तों वो मिल जाता है, और इस तरफ आपको मिलता है आपका बेडिंग एरिया। बेडिंग एरिया में दोस्तों आपको काफी वाइड मिल जाता है, किसी भी तरह की परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। इसके अलावा वॉशरूम का पानी बाहर ना आए दोस्तों, इसके लिए भी प्रोविजन यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए किया है। कॉमन वॉशरूम के बाद अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आपका सेकंड बेडरूम है, और ये बेडरूम हमारे पहले के बेडरूम के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि दोस्तों आपको 10 फीट बाय और 11 फीट का आपको ये बेडरूम मिल जाता है। और इस बेडरूम के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि बेड लगाने के लिए परफेक्ट जगह आपको मिलती है। पीछे आपको दोस्तों आर्टिफिशियल ग्रास वर्क मिलता है, और दोनों तरफ आपको वुडन कैबिनेट्स मिलती है, यानी कि दोस्तों दोनों तरफ आपको स्टोरेज मिल जाती है, और इसके अलावा ऊपर की तरफ भी आपको जो स्टोरेज है वो मिल जाती है। ये स्टोरेज दोस्तों बहुत काम आती है, क्योंकि सर्दियों के और गर्मियों के बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हमें कुछ टाइम के लिए फिक्स रखना होता है, तो ये स्टोरेज उन सब चीजों के लिए दोस्तों काफी अच्छी मानी जाती है। बेड के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि अगेन आपको एक शानदार एलईडी पैनल मिलता है, बड़े साइज का ये एलईडी पैनल है दोस्तों, तो यहाँ भी आप बड़े साइज का टीवी इजीली लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्विच एंड सॉकेट है, नीचे आपको ओपन शेल्फ मिलती है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको डिजाइनर पार्टीशन मिल जाता है जिस पर आप अपना डिजाइनर वर्क कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी डिजाइनर आइटम यहाँ पर रख सकते हैं। तो काफी शानदार और अच्छी गेटअप के साथ दोस्तों आपका ये एलईडी पैनल है। सीलिंग की अगर बात करें तो अगेन सीलिंग का एक शानदार सा डिजाइन विद एलईडी लाइट एंड विद कॉब लाइट दोस्तों आपको मिल जाता है, और यहाँ पर भी हम आपको एक फैन लगाकर देंगे। इस रूम में दोस्तों वेंटिलेशन के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है। विंडो साइज की अगर बात करूं तो लगभग 3 फीट बाय दोस्तों और 5 फीट की ये विंडो आपको मिलती है। ऊपर विंडो एसी लगाने के लिए प्रोविजन मिलता है। यहाँ पर जो मॉस्किटो विंडो है वो आपको मिलती है, बीच में सेफ्टी ग्रिल मिलती है, और उसके बाद आपको जो ग्लास वाली विंडो है दोस्तों वो मिल जाती है। और इसकी ऑपरेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर सॉकेट आपको मिलती है, और अगेन यहाँ पर भी आपको स्विच एंड सॉकेट मिल जाता है। ये जो कॉर्नर है दोस्तों ये काफी यूजफुल रहता है, काफी मेरे दोस्तों ने घर लेने के बाद यहाँ पर अपना वर्क स्टेशन लगाया है, या फिर बच्चों के लिए स्टडी टेबल यहाँ पर लगाई है। ये कोना क्योंकि खिड़की के बिल्कुल पास है, फ्रेश एयर और वेंटिलेशन आपको मिलता रहता है, तो ये कोना आपके काफी काम आ सकता है। तो ये दोस्तों हमारा बेडरूम है, और इसके साथ अब हम बात करेंगे हमारे अटैच वॉशरूम की। ये जो वॉशरूम है दोस्तों ये पहले के वॉशरूम की तरह ही बड़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। 6 फीट बाय और 4.5 फीट की दोस्तों इसकी चौड़ाई है, और इसके अलावा इसमें जो टाइल वर्क किया गया है ये भी दोस्तों डिजाइनर आपको मिलता है, यानी कि आपको डिजाइनर टाइल्स मिलती हैं आपकी फ्लोरिंग पे,
वॉल टाइल्स की बात करूं तो डिफरेंट पैटर्न की है, लेकिन ये भी रूफ हाइट तक की टाइल्स हम आपको लगा कर देंगे। और इसमें भी जो बीच का पैटर्न है दोस्तों, ये डिजाइनर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर वन पीस की शीट आपको मिलेगी, ऊपर आपको गीजर की फिटिंग मिलेगी। यहाँ दोस्तों आपका वेंटिलेशन आपको मिलता है, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रोशनी आपके इस वॉशरूम के अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपका जो वॉश बेसिन है दोस्तों, वो आपको मिलता है, और ये कंप्लीट अगेन एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको बेडिंग के लिए। नहाने के लिए दोस्तों हमेशा जगह ज्यादा चाहिए होती है। दोनों ही वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 4 फीट बाय और 4.5 फीट की जगह मिल जाती है आपके स्नान करने के लिए, आपके बेडिंग के लिए। और यहाँ दोस्तों आपको मिक्सर मिलता है, ऊपर आपको रेन शावर मिलता है, एलईडी लाइट्स आपको मिलती है, और बीच में दोस्तों फैन भी लगाने की जगह है। काफी लोग वॉशरूम के अंदर छोटा फैन लगाते हैं, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रोविजन आपके लिए दिया है। और अगेन दोस्तों, पानी बाहर ना आए उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था हम लोगों ने आपके लिए की है। तो ये दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम था, और अटैच वॉशरूम के बाद अब हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये जो थर्ड बेडरूम है दोस्तों, ये भी हमारा बाहर की तरफ है, लेकिन इसके साथ हमें बालकनी का एक्सेस भी मिलता है। चलिए सबसे पहले साइज की बात करते हैं, तो 10 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10.5 फीट का आपका ये बेडरूम है। और इस बेडरूम के अंदर भी आप देखेंगे कि आपको बेड लगाने के लिए परफेक्ट जगह मिल जाती है दोस्तों। और बेड के पीछे यहाँ आपको डिजाइनर वॉल मिलती है। ये जो वॉलपेपर्स हैं दोस्तों, ये हम आपकी पसंद के भी लगवा सकते हैं। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन बहुत प्यारा है, और बेड के ठीक सामने आपको मिलता है अगेन एक एलईडी पैनल। आपने दोस्तों अगर ध्यान दिया हो तो आपको लिविंग स्पेस में और आपको तीनों ही बेडरूम के अंदर एलईडी पैनल मिलते हैं। तीनों के साइज बड़े हैं दोस्तों, तीनों की लुक काफी अच्छी है। डिजाइनर पैटर्न के साथ आपको ये एलईडी पैनल मिलते हैं। और अगेन दोस्तों आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है, नीचे ओपन शेल्फ मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों एक टेबल टॉप मिल जाता है कुछ भी सामान रखने के लिए। तो काफी शानदार और अच्छा दोस्तों ये रूम है। इस रूम के अंदर यहाँ पर आपको स्टोरेज भी मिलती है। आप देख सकते हैं कि 2.5 फीट बाय और रूफ हाइट तक की आपको ये स्टोरेज मिलती है, जिसे दो अलग अलग सेक्शंस में बनाया गया है। यहाँ दोस्तों आपकी ड्रॉर है, काफी बड़ी ड्रॉर आपको मिलती है। नीचे और ऊपर आपको स्पेस मिल जाता है, क्लॉथ्स को हैंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं क्लॉथ्स को फोल्ड करके रखना, तो उसके लिए नीचे आपको जगह मिल जाती है। और एक पोर्शन हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये भी आपको काफी बड़ी स्टोरेज मिल जाती है। इस तरफ आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है, विंडो एसी लगाने के लिए प्रोविजन है। आप देख सकते हैं कि आपको सॉकेट भी यहाँ पर मिलती है, और इसकी ऑपरेटिंग दोस्तों आपके फैन के स्विच के साथ आपको मिलती है। काफी बड़ी ये विंडो है दोस्तों, लगभग 2.5 फीट बाय और 5 फीट की कंप्लीट विंडो है, जिसमें एक तरफ आपको नीचे मॉस्किटो जाली मिलती है, और बीच में आपको सेफ्टी ग्रिल्स मिलती है, और उसके बाद आपको जो ग्लास विंडो है दोस्तों वो मिल जाती है। और यहीं से एंट्रेंस है आपकी बालकनी की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपकी बालकनी। ये दोस्तों हमारी बालकनी है, और बालकनी के साइज की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 12 फीट बाय और 3.5 फीट की आपको बालकनी मिलती है। ये आपका वॉशिंग एरिया है, और वॉशिंग एरिया की तरफ आपको जो चौड़ाई जो मिलती है दोस्तों, ये लगभग 3.5 फीट की मिलती है। यानी कि आप सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक दोनों तरह की वॉशिंग मशीन यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। आपको टैब मिलता है, नीचे पानी निकलने के लिए जगह मिलती है दोस्तों, और साथ में मिल जाता है स्विच एंड सॉकेट। एलिवेशन की अगर बात करूं तो एलिवेशन पर भी आपको रूफ हाइट तक की टाइल्स मिलती है। टाइल्स लगाने के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, कि सालों साल आपकी बिल्डिंग की जो एलिवेशन है वो हमेशा बनी रहती है, उसकी गेटअप बनी रहती है, और मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम आता है। यहाँ पर आपको 304 की स्टील मिलती है। 304 का जो स्टील है दोस्तों, ये रस्टलेस रहता है, यानी कि इस पर जंग नहीं लगता, और इसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊंची रखी गई है, जिससे कि बच्चों के लिए ये सेफ रहे। और इसके पीछे दोस्तों हमारी ऑलमोस्ट 12 फीट की गली है। लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों कि आपके इस फ्लैट के साथ आपको कॉमन रूफ राइट्स मिलते हैं, यानी कि आप छत पर जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका 3 BHK का फ्लैट है, जो कि 85 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है। और इसके अलावा दोस्तों लिफ्ट के साथ है, गाड़ी की पार्किंग के साथ है, और आप देख चुके हैं कि मेन मेट्रो लाइन से और द्वारका से बिल्कुल नजदीक है। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से मैक्सिमम 300 मीटर्स के डिस्टेंस पर है दोस्तों। बहुत ही प्राइम लोकेशन का दोस्तों ये फ्लैट है, और इसके अलावा ये दोस्तों एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो लोन भी आप 80-90% इजिली ले सकते हैं। और इस फ्लैट की जो कीमत है दोस्तों, ये भी हमने काफी कम रखी है, और ये कीमत है सिर्फ और सिर्फ 39,50,000 रुपीज। 39,50,000 रुपए में दोस्तों कॉमन रूफ राइट के साथ 3 BHK फ्लैट विद लिफ्ट और विद कार पार्किंग, और वो भी
सेवक पार्क के एरिया में, बिल्कुल द्वारका से साथ में, इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ दोस्तों, और इतना प्यारा फ्लैट इतनी कम कीमत पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है गुरु महादेव रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पर। तो देर ना करते हुए दोस्तों जल्दी से विजिट कीजिए, क्योंकि इस बिल्डिंग में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन ही बचे हैं, और उसी का बेनिफिट दोस्तों हम लोग गुरु महादेव रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पर आपको देने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने गुरु महादेव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बेहतरीन वीडियो हम लोग रिसेंटली अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारी अच्छे से फ्लैट्स की वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।